नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 मई दिन शनिवार। खबरों की उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 3000 से अधिक गांवों में होगी मखाना की खेती। बिहार में गेहूं की खरीद को बढ़ाने के लिए 48 घंटे के अंदर भुगतान का आदेश। कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए 15 मई तक ऐसे करें आवेदन। विभिन्न विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के मामले में इस दिन होगी सुनवाई। यूपी और बिहार के लोगों के लिए मनोज वाजपेयी ने कही ये बात। तत्काल टिकट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जानिए क्या है प्रीमियम तत्काल टिकट। आईपीएल के 60वें मैच में आज केकेआर और मुंबई इंडियंस का होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1377 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, एनवीएस में आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। 1377 रिक्त पदों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके आवेदन की आखिरी तारीख 7 मई 2024 थी, लेकिन इसके आवेदन की तारीख को अब 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किए थे और वे इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in या फिर exams.nta.ac.in/nvs है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए 15 मई तक ऐसे करें आवेदन। बिहार सरकार की ओर से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को कन्या उत्थान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस साल परीक्षा में पास होने वाली छात्राएं 15 तक आवेदन कर सकती हैं। मालूम हो कि इस योजना के तहत छात्राओं को 25,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में मैट्रिक परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को सेकंड डिवीजन पर भी 8,000 रुपए दिए जाते हैं। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://medhasoft.bih.nic.in पर जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पवन के श्रीवास्तव के बारे में। ये पेशे से एक फिल्म निर्माता, लेखक और ब्लॉगर हैं। इनका जन्म 11 मई 1982 में बिहार के मरहौरा शहर में हुआ था। ये नया पता के निर्देशक भी रहे। आपको बता दें कि नया पता क्राउड फंडिंग से बनने वाली पहली फिल्म थी। इसके अलावा साल 2018 में इनकी फिल्म एक बहिष्कृत का जीवन, साल 2021 में कुंभ दूसरी कहानी, साल 2021 में ही मैं द्रौपदी हूँ आदि शामिल रहे। पवन अपने ब्लॉग ई बिहार और पटना की सड़कों से लेखनी करते हैं। बिहार में गेहूं की खरीद को बढ़ाने के लिए 48 घंटे के अंदर भुगतान का आदेश। बिहार में गेहूं की खरीद में परेशानी सामने आ रही है, इसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गेहूं की खरीद को बढ़ाने के लिए 48 घंटे के अंदर भुगतान का आदेश दिया गया है। इसका मकसद है कि 15 जून तक अधिक खरीद संभव हो जाए। किसानों से बातचीत कर उन्हें जागरूक करने से संबंधित आदेश दिए गए हैं। पर्याप्त खाद्यान्न को उपलब्ध करवाने के लिए भंडारण प्रोजेक्ट को निश्चित समय अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गेहूं की खरीद की रफ्तार को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, साथ ही सामने आ रही परेशानियों को भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय घूस मांगने पर यहां करें शिकायत। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना काफी जरूरी होता है। कानूनन रूप से ये काफी जरूरी है। 18 साल से ऊपर पर गाड़ी चलाने की इच्छा रखने वाले लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसे आप अपने पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय घूस की मांग की जाती है तो ये गैर कानूनन हो जाता है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट https://acbeow.cg.gov.in या फिर इसके ऑफिस में जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी के घूस मांगने पर आप नंबर 1800-1800-151 पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। वेबसाइट https://echalan.parivahan.gov.in पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस कस्टमर केयर नंबर 01204925505 पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिहार में 3000 से अधिक गांवों में होगी मखाना की खेती। बिहार में 3,333 गांवों में मखाना की खेती की जाएगी। बिहार में मखाना के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मालूम हो कि राज्य में मखाना का मुख्य उत्पादन जिला दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और किशनगंज है। इन जिलों में मखाना की खेती तालाब और खेल पद्धति के माध्यम से की जाती है। बिहार में मखाना उत्पादन क्षेत्र को दुगुना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से इसके लिए किसानों की मदद की जाएगी। राज्य में सरकार की ओर से मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 10 जिलों में मखाना बेस लाइन सर्वेक्षण भी किया गया है। इसके साथ ही अब अगले साल के लिए लाभुकों का चयन कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के मामले में इस दिन होगी सुनवाई। राज्य सरकार की अलग अलग विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के मामले में 26 जून को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में 26 जून तक के लिए सुनवाई बीते दिन टल गई है। रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की है। वहीं पिछले सुनवाई में अकाउंटेंट जनरल को इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा देने का आदेश दिया गया था। जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार के अलग अलग विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है और ये राशि लगभग 71,000 करोड़ रुपए है। आग लगी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बनाया ये प्लान। बिहार में आग लगी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है। अग्निशमन सेवा के द्वारा आग लगी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल, नुक्कड़ नाटक, हैंडबिल के वितरण और अन्य जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभाग सक्रिय गलियों में आग लगी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए मिस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित 12 मोटरसाइकिल की व्यवस्था पटना शहर में की गई है। आग लगी की घटना से बचने के लिए बिहार अग्निशमन सेवा नगर निगम मिलकर काम करेंगे। यूपी और बिहार के लोगों के लिए मनोज वाजपेयी ने कही ये बात। बिहार के मनोज वाजपेयी ने कहा है कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े ही मजाकी अंदाज में भैया जी कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो और आदर दो। आप लोगों का आशीर्वाद रहा और फिल्म चलेगी तो शायद भैया जी कहलवाना हर कोई पसंद करेगा। एक्टर ने आगे कहा कि उनकी पत्नी के पिता हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई आपसे आपके पृष्ठभूमि या जाति के बारे में नकारात्मक बातें पूछता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे दूसरों की मनोस्थिति पता चलता है। बिहार में एक दिन पहले छात्रों को मिला था नीट का पेपर। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने इस बात का दावा किया है। लगभग 20 छात्रों के पास एक दिन पहले ही परीक्षा का पेपर पहुंच गया था। एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने इस मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य के अलग अलग जगहों पर एस्पिरेंट्स को पटना के रामकृष्णा नगर में एक किराए के मकान पर लाया गया और उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे। इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला है। वही गुजरात में सॉल्वर 10 लाख रुपए में पर्चा हल कर रहे थे। इस मामले में बिहार में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तत्काल टिकट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जानिए क्या है प्रीमियम तत्काल टिकट। भारतीय रेलवे से लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेलवे सेवा के बारे में बता दें कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। हमें कई बार लंबी दूरी की सफर तय करनी होती है। ऐसे में रेलवे के सफर में लोगों को काफी सहूलियत भी होती है। ट्रेन में सफर करने के दौरान कई लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन करवा कर सफर करना काफी पसंद करते हैं। आरक्षित कोचों में लोगों को सफर में आसानी भी होती है। अक्सर हम तत्काल टिकट बुक करवाते हैं, लेकिन प्रीमियम तत्काल के विकल्प को भी चुना जा सकता है। ये तत्काल टिकट से महंगा हो सकता है और डिमांड के आधार पर कीमतों में बदलाव हो सकता है। इसकी बुकिंग भी सामान्य तत्काल की तरह एक दिन पहले शुरू होती है। इसकी बुकिंग IRCTC के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। बीएड और ITI की पढ़ाई के लिए मिलेगा लोन। बीएड की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 90,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, जबकि ITI के छात्र और छात्राओं को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इधर पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के लिए 3 लाख और एमटेक के लिए 2,50,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अन्य कोर्स के लिए 4,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत काफी बदलाव हुआ है। मान्यता प्राप्त सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के दौरान इस योजना का लाभ मिलेगा। गन्ना के रकबे का 30 जून तक होगा सर्वे। गन्ना के रकबे का 30 जून तक सर्वे किया जाएगा। चीनी के मिलों में पेराई सत्र 2024 और 25 के लिए गन्ना रकबा सर्वे का काम शुरू किया गया है। ये काम 30 जून तक चलेगा। सर्वे में GPS की प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।
इसके लिए टीम जीपीएस युक्त हैंड हेल्ड टर्मिनल खेत पर लेकर आएगी। बिचौलिए से किसानों को बचाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए गन्ना उद्योग विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। चीनी मिल के अनुसार टीमों का गठन किया गया है। सर्वे के आधार पर ही पर्चा वितरण की व्यवस्था की जाएगी। सर्वे के बाद बिहार के 13 चीनी मिलों का आच्छादन क्षेत्र और उत्पादन का आकलन किया जाएगा। डिजिटल भिखारी राजू ने दुनिया को कहा अलविदा। डिजिटल भिखारी राजू ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये बिहार के बेतिया स्टेशन पर रहते थे। आपको बता दें कि क्यूआर कोड स्कैन ही राजू की पहचान थी, लेकिन पिछले महीने से ही इनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि इनका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया, इस कारण राजू आज हमारे बीच नहीं है। सोशल मीडिया पर यूजर्स शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने भी राजू के दुनिया को अलविदा कह देने पर शोक संवेदना व्यक्त की है। मालूम हो कि राजू भिखारी लालू प्रसाद यादव और पीएम नरेंद्र मोदी के फैन थे, इस वजह से भी उनकी चर्चा होती थी। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा पर पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य और इसकी चिकित्सा सुविधा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में राज्य के जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। बताया जाता है कि ये रिपोर्ट आई भी है और फिलहाल इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसे देखते हुए इस मामले में 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा इस मामले में सुनवाई की जा रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य पर राज्य में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम राज्य के 38 जिलों में हो रहा है, लेकिन इसमें कर्मियों की संख्या नहीं के बराबर। बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम में ये बदलाव बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्वा हवा के प्रवाह के कारण हो रहा है। आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। एलएनजेपी हड्डी अस्पताल में मिलेगी सस्ते इम्प्लांट और दवाएं। एलएनजेपी हड्डी अस्पताल में सस्ते इम्प्लांट और दवाएं मिलेंगी। बताया जाता है कि बीएमएसआईसीईएल की ओर से इम्प्लांट आपूर्ति नहीं करने से रोगियों को बाजार से खरीदने पड़ते थे। इसके साथ ही उन्हें लगाने के उपकरण भी जुटाने पड़ते थे। इसमें उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बाजार में कम गुणवत्ता के इम्प्लांट भी महंगे दामों में बिकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अमृत फार्मेसी को शुरू किया गया है। इसके बाद यहां दवाओं में 10 से 90% तक की छूट दी जाएगी। इसके दवा के खर्च में 60 से 70% तक का छूट मिलेगा। ग्रामीण सड़कों के लिए नाबार्ड करेगी सहायता। साल 2024 में 43 ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में नाबार्ड सहायता करेगी। इन पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल पिछले साल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को इस संबंध में प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया है। इन सड़कों के निर्माण से कई ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क नेटवर्क बेहतर हो जाएगा और लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी। दरअसल सरकार ने अगले 2 सालों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गाँव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मालूम हो कि इसी महीने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट आने के 4 दिन बाद मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। वहीं परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जाने के बाद सीबीएसई की ओर से डिटेल जानकारी साझा की जाएगी। सीबीएसई के द्वारा ये कदम परीक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं इस योजना का लाभ केवल ऑनलाइन ही उठाया जा सकेगा। अंतिम तिथि के बाद और ऑफलाइन मोड में कोई भी अनुरोध बोर्ड के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 13 मई तक करेंगे 6 चुनावी जनसभा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से लेकर 13 मई तक 6 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिन के अंतराल के बाद सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज सीतामढ़ी और हाजीपुर में सीएम की जनसभा होगी। 12 मई को सारण और 13 मई को मधुबनी और सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है। मालूम हो कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो है और 13 मई को प्रधानमंत्री बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक हो सकती है।
वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने भाजपा पर बोला हमला। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने भाजपा पर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि भाजपा आरएसएस का एक मुखौटा है, भाजपा के पीछे आरएसएस है और आरएसएस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि गरीबों और पिछड़ों को आरक्षण मिले। मुकेश सहनी ने आरएसएस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो लोग हैं जो कभी हम लोगों का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे। मुकेश सहनी ने ये भी कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, सभी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जब संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद और उपेंद्र कुशवाहा ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में पटना साहिब की लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने नामांकन कर दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और फिर इस बार मुझे जनता जरूर आशीर्वाद देगी। मालूम हो कि पटना साहिब की लोकसभा सीट से इनसे पहले 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के उमेश रजक, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से गुलाब प्रसाद व बहुजन समाज पार्टी के नीरज कुमार शामिल हैं। इधर काराकाट की लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन कर दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सिर्फ मोदी की गारंटी ही चलेगी। आईपीएल के 60वें मैच में आज केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। इंडियंस प्रीमियर लीग 2024 के 60वें मैच में आज केकेआर और मुंबई इंडियंस के टीम की भिड़ंत होने जा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 11 मैचों में 8 में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ये टीम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये मैच खेलेगी। मुंबई की टीम ने 12 मैचों में 4 में जीत हासिल की है, जबकि 8 मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आज के इस मैच में केकेआर और मुंबई इंडियंस में से किस टीम की जीत होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन यानी 11 मई वर्ष 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे। आज के ही दिन वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली को भारत का समर्थन मिला था। आज के दिन वर्ष 2005 में बगलिहार परियोजना पर भारत पाक मतभेदों को निपटाने के लिए विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एसएच कपारिया को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 38वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। वे इस पद पर 29 सितंबर 2012 तक रहे। इसी दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पंचायत और स्थानीय चुनाव में राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट फिल्म और टीवी सीरीज हो सकेगा अपलोड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट टीवी सीरीज अपलोड हो सकेगा। मालूम हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इसके मालिक एलन मस्क हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। समय समय पर यह प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के लिए नया अपडेट लेकर आता है। इसी कड़ी में अब यूजर पूरी फिल्म को अब एक्स पर अपलोड कर सकेंगे। एलन मस्क ने खुद इस बात की जानकारी दी है, साथ ही बताया कि एक्स पर अब AI ऑडियंस नाम के फीचर को पेश किया जा रहा है। यूजर अब अपना पॉडकास्ट करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा कमा सकेंगे। सब्सक्रिप्शन के जरिए यूजर सब इस प्लेटफॉर्म पर पैसे कमा सकेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में व्यापक मूंगा विरंजन शोधकर्ताओं ने कहां दर्ज किया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। हाल ही में BRO का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 7 मई, ऑप्शन सी है 5 मई, ऑप्शन डी है 8 मई। इसका सही उत्तर है 7 मई। हाल ही में कौन दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है रॉयल एनफील्ड, ऑप्शन बी है बजाज, ऑप्शन सी है स्प्लेंडर, ऑप्शन डी है मारुति सुजुकी। इसका सही उत्तर है बजाज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, राम प्रवेश मंडल, जितेंद्र ठाकुर, अरशद अंसारी, संजीव मंडल, रविकांत देव, नरेश राम, शोभानंद ठाकुर, संजय कुमार शर्मा, कृष्णा प्रसाद, विजय कुमार दास, राजीव कुमार, साधना देवी, पंकज कुमार दास, रविकांत, धीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अपने जीवन में आप किस फिल्म में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और क्यों? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़।
और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।